Dear students of 6th class, welcome back to my class. Students, in our previous lesson, we have seen the entire explanation of the chapter, The Nightingale and the Nobleman. Now today, we are going to see the questions and answers of this chapter from the pointers. So let's see the first question we have, that read the story and say whether the following statements are true or false. हमें ये statements पढ़ने हैं और उसके बाद इनके बारे में ये तय करना है कि ये statements true हैं या फिर false हैं, सही हैं या गलत हैं, okay? Now we have the first statement that no bird likes to be shut up in a cage. कोई भी परिंदा ये नहीं चाहता कि उसे पिंजरे में कैद कर दिया जाए. वाकई में ऐसा कोई भी परिंदा नहीं चाहता. तो ये statement true है, okay? Second statement, the nobleman was rich and happy. वो nobleman जो था वो अमीर था और साथ में बड़ा ही खुश भी था. तो ये बात सही नहीं है, इसलिए ये false है. वो अमीर तो ज़रूर था लेकिन वो खुश नहीं था. उसके बाद का स्टेटमेंट है कि द nobleman did not set the bird free, कि nobleman ने उस बर्ड को आज़ाद नहीं किया. तो ये फॉल्स है. क्यों? क्योंकि नोबलमैन ने उस बर्ड को आज़ाद कर दिया था. उसके बाद का स्टेटमेंट है कि द नोबलमैन डिडंट थिंक मच ऑफ द सीक्रेट. नोबलमैन ने उस सीक्रेट को, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, यानी उसके बारे में गौर नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिया. ये बिल्कुल सच है, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नोबलमैन ने उन नसीहतों पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया. उसके बाद है कि द नाइटिंगेल हैड रेयर डायमंड्स अंडर हिज विंग्स, कि नाइटिंगेल के परों के नीचे यानी पंखों के नीचे कीमती हीरे थे. क्या ये बात सच है? किसी परिंदे के परों के नीचे हीरे हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं. तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है. उसके बाद है कि द नोबलमैन बिलीव्ड दैट द नाइटिंगेल हैड डायमंड्स. अब नोबलमैन ने ये मान लिया कि उस परिंदे के यानी नाइटिंगेल के परों के नीचे डायमंड्स हैं. हाँ, वाकई उसने ये मान लिया था, उसने आइडल वर्ड्स पर ट्रस्ट कर लिया था, भरोसा कर लिया था. तो ये बात सच है कि वो ये मान बैठा था कि परिंदे के परों के नीचे डायमंड्स हैं, ओके? उसके बाद का सेंटेंस है कि द नाइटिंगेल फ्लू अवे. नाइटिंगेल आखिरकार उड़ गया. ये बात सच है. Students, now we have the question number 2. Solve the following puzzle. हमें puzzle solve करना है. The letters in the pink boxes form the name of the bird in the story. Use the letters given on the right and the letter in the pink box to make words from the story. अब हमें ये puzzle दिया हुआ था जिसको हमने solve ही कर दिया है. तो इसमें आप देख सकते हैं कि पिंक बॉक्सेस के अंदर में लेटर्स लिखे हुए हैं और ये लेटर्स जो है वो परिंदे का नाम बताते हैं जो हमारी स्टोरी में था. नाइटिंगेल, NIGHTINGALE, ओके, नाइटिंगेल. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पर भी जो है कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं और ये लेटर्स जो है वो जंबल ऑर्डर में है. हमें इन लेटर्स को अरेंज करना है, ऑर्डर में लाना है और फिर जो है वो मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं और वो वर्ड्स जो है वो हमारी स्टोरी से ही होने चाहिए, ओके? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है N और ये W O था तो हमने इसको चेंज करके O W किया तो नाव बन गया. उसी तरीके से I था हमारे पास में पहले से, हमने D B R को ऑर्डर में लगाया तो B I R D बर्ड बन गया, ओके? उसी तरीके से केज, C A G E केज, उसी तरीके से जो है वो H U G E ह्यूज और M A S T E R मास्टर, R I C H रिच, U N D E R under, W I N G S wings, D A Y day, F L E W flew, उसी तरीके से G A V E gave. तो इस तरीके से हमने इस पजल को सॉल्व कर दिया है. स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द थर्ड क्वेश्चन, दैट द नाइटिंगेल गेव द नोबलमैन टू बिट्स ऑफ एडवाइस. उस नाइटिंगेल ने नोबलमैन को दो नसीहतें की थी, टू एडवाइसेस दी थी.
फॉर्म ग्रुप्स एंड डिस्कस ईच ऑफ देम, आपको ग्रुप बनाकर उन दोनों भी सेइंग्स पर या यूं कहें कि उन दोनों भी एडवाइसेस पर आपको जो है वो डिस्कस करना है. कैन यू थिंक ऑफ अ स्टोरी, क्या आप कोई स्टोरी सोच सकते हैं या फिर कोई इवेंट या आपके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हों जो उन दोनों भी नसीहतों को रिलेट करते हों, राइट इट डाउन, आपको वो लिखने हैं. ट्राई टू फाइंड सिमिलर सेइंग्स और प्रोवर्ब्स इन योर मदर टंग, हमें हमारी मदर टंग में इन जैसी, इनके जैसी जो प्रोवर्ब्स और सेइंग हैं जो हमारी मदर टंग में हैं, हमें वो भी लिखनी है. तो स्टूडेंट्स, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हमने इन दोनों भी कहावतों के तौर पर यहाँ पर लिख दिए हैं. ठीक है, तो देखते हैं. पहली वाली सेइंग या कहावत थी कि नेवर क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, कि जो नुकसान हो गया है अब उस पर हरगिज गम ना करो, बल्कि अब आइंदा आने वाले नुकसान से हमें बचना है. तो एक छोटी सी कहानी या फिर एक एक्सपीरियंस समझे कि सेवरल टाइम्स माय फादर आस्क मी टू स्टडी रेगुलरली, कई बार मेरे वालिद ने मुझसे कहा, मेरे फादर ने मुझसे कहा कि रेगुलर स्टडी करो, बट आई डिडंट केयर, लेकिन मैंने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया. आई थॉट आई विल मैनेज व्हेन द एग्जाम्स विल नियर, और मैंने सोचा कि जब एग्जाम्स आएंगे तब मैं पढ़ाई कर लूँगा. बट इट हैपन दैट आई गॉट इल नियर द एग्जाम्स, लेकिन जैसे ही एग्जाम्स करीब आए उस वक्त मैं बीमार पड़ गया. एंड इट टुक लॉन्ग टाइम टू रिकवर माई हेल्थ, और मुझे ठीक होने में ज़्यादा वक्त लग गया. देयर वॉज नो मोर टाइम टू स्टडी प्रॉपरली, अब मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था कि मैं प्रॉपरली स्टडी कर सकूँ. इसलिए क्या हुआ, एंड आई गॉट पुअर मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स, मुझे हर सब्जेक्ट में पुअर मार्क्स यानी ख़राब नंबरात मिले. आई क्राइड, मैं बहुत रोया. एंड रिग्रेटेड, और पछताया. बट देयर वॉज नो यूज़ ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, अब जो नुकसान हो गया था मैं उसे बदल तो नहीं सकता था, लेकिन अब मुझे आइंदा मोहतात रहने की ज़रूरत है कि एग्ज़ाम से पहले ही मुझे एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है. ओके, उसके बाद सेकंड वाली प्रोवर्ब या सेइंग थी कि नेवर ट्रस्ट आइडल वर्ड्स, हमें बेकार की बातों पर या बेकार के वर्ड्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसे वर्ड्स जिनका कोई भी तुक नहीं बनता, जिनकी कोई सच्चाई नहीं है. ठीक है, जैसे आफ्टर स्कूल व्हेन वी वर रिटर्निंग होम, जब हम स्कूल के बाद घर वापस आ रहे थे, राजू टुक मी टू अ रेस्टोरेंट एंड ऑफर्ड मी पिज़्ज़ा एंड अदर स्नैक्स, राजू मुझे रेस्टोरेंट लेकर गया और मुझे पिज़्ज़ा और स्नैक्स जो है वो उसने ऑफ़र किए. आई रिफ्यूज्ड, मैंने मना किया. बट ही इंसिस्टेड, लेकिन उसने कहा कि नहीं यार, खाना ही पड़ेगा. व्हेन आई आस्क हिम अबाउट द मनी ही शोड मी अ 500 रुपीज़ नोट, जब मैंने उसे पैसे के बारे में पूछा कि अरे यार खाएंगे तो, लेकिन पैसे कहाँ हैं, तो उसने मुझे एक 500 रुपये का नोट दिखाया. एंड अश्योर्ड, और मुझे यकीन दिलाया दैट ही हैड फाउंड इट लाइंग ऑन द रोड, और उसने मुझे बताया कि उससे ये 500 का नोट जो है वो रोड पर कहीं पड़ा हुआ मिला है. वी फिनिश्ड अवर ईटिंग्स, हमने अपना जो खाना था वो खा लिया. एंड रश्ड टू होम्स, और जो है वो घर की तरफ भागे. नेक्स्ट डे राजूज फादर मेट मी, अगले दिन राजू के फादर मुझसे मिले. एंड टोल्ड अबाउट राजूज थेफ्ट, और उन्होंने राजू के थेफ्ट के बारे में यानी राजू के जरिए की गई चोरी के बारे में मुझे बताया. आई वॉज अमेज्ड दैट हाउ डिड आई बिलीव राजूज आइडल वर्ड्स, अब मुझे बहुत हैरानी हुई कि यार किस तरह से मैं राजू की बेकार की बातों में आ गया कि कहीं कोई 500 का नोट ऐसे ही पड़ा हुआ मिल जाता है, तो ये बेकार के वर्ड्स से जिन पर मैं भरोसा कर बैठा. ओके, नाउ वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन दैट रीड अलाउड द लास्ट स्पीच ऑफ नाइटिंगेल विथ प्रॉपर इंटोनेशन, आपको जो है प्रॉपर इंटोनेशन के साथ, सही लहजे के साथ, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ, आपको जो है नाइटिंगेल की जो लास्ट स्पीच थी, जो आखिरी में जो उसने नोबलमैन को समझाया था, वो आपको जोर से पढ़नी है. ठीक है, Use the given words in place of highlighted words and translate each sentence you make. अब हमें क्या करना है, ये फिफ्थ क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है कि ये जो वर्ड्स हाईलाइटेड हैं, जैसे अ लिटिल, ठीक है, अ लिटिल ये हाईलाइटेड है, तो इन इसकी जगह पर हमें मच, अ लॉट, जस्ट अ लिटिल, ये फ्रेजेस यूज करने हैं और फिर से सेंटेंसेस बनाने हैं. ठीक है,
जिसमें पहला वाला सेंटेंस हमको दिया गया था कि द बर्ड फ्लू अ लिटिल हायर, ठीक है, तो अ लिटिल हायर की बजाय अब हमें मच, अ लॉट, जस्ट अ लिटिल यूज करके नए सेंटेंस बनाने थे जो हमने यहाँ पर बनाए हैं कि द बर्ड फ्लू मच हायर, द बर्ड फ्लू अ लॉट हायर, द बर्ड फ्लू जस्ट अ लिटिल हायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड सेंटेंस था वो ये था कि आई नेवर ट्रस्ट आइडल वर्ड्स। अब देख सकते हैं यहाँ पर नेवर को हाईलाइट किया है, तो नेवर को रिप्लेस करना है हमें ऑफन और ऑलवेज से। तो हमने यहाँ पर सेंटेंस बना कर दिया है कि आई ऑफन ट्रस्ट आइडल वर्ड्स। आप देख सकते हैं कि नेवर की जगह पर ऑफन यूज किया गया। उसी तरीके से आई ऑलवेज ट्रस्ट आइडल वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड सेंटेंस था कि द बर्ड फ्लू अवे, तो यहाँ पर अवे को रिप्लेस करना था इन वर्ड से, अप डाउन लेफ्ट राइट फार अवे, ठीक है। तो हमने इनको रिप्लेस करके सेंटेंसेस बनाए हैं कि द बर्ड फ्लू अप, द बर्ड फ्लू डाउन, द बर्ड फ्लू लेफ्ट, द बर्ड फ्लू राइट, द बर्ड फ्लू फार अवे। स्टूडेंट्स, नाइट इंगेल ने जो दो नसीहतें नोबल मैन को की थी, दरअसल वो इंग्लिश की कहावतें हैं। स्टूडेंट्स, ऐसी कहावतें हमारी मदर टंग में भी कही जाती हैं, तो उस जैसी कहावतें, उन जैसी कहावतें, उनसे सिमिलर कहावतें जो हमारी मदर टंग में कहते हैं हम, तो आपको वो फाइंड आउट करके लिखनी है। उसके अलावा इन तमाम सेंटेंसेस को आपको जो है वो अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि ट्राई टू कलेक्ट एटलीस्ट 20 प्रोवर्ब्स और सेइंग्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में और भी जो कहावतें हैं, सेइंग्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, तो हमें वो लिखनी है। यहाँ पर एटलीस्ट 20 लिखनी है, यानी 20 कहावतें लिखनी है। तो हमने यहाँ पर 20 तो नहीं, लेकिन कुछ कहावतें आपके लिए लिख दी हैं। जैसे पहला है कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, सच्चा दोस्त वही है जो बुरे वक्त में आपके काम आता है। ओके, उसके बाद सेकंड है कि बेटर लेट देन नेवर, अरे नहीं जाने से बेहतर है चला जाना, लेट चला जाना, या किसी काम को नहीं करने से बेहतर है कि उसको लेट ही सही कर लिया जाए। उसके बाद है कि हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी का काम जो होता है वो शैतान का काम होता है, यानी जल्दी में किए हुए काम अक्सर बिगड़ ही जाते हैं। ईजी कम ईजी गो, जो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, बिना किसी मेहनत के मिल जाती हैं, वो बिना किसी मेहनत के चले भी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, भाई आदमी जितनी प्रैक्टिस करेगा, इंसान जितनी प्रैक्टिस और मश्क करेगा, वो उतना ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है कि ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बीहोल्डर, खूबसूरती जो होती है वो चीज़ों में नहीं बल्कि देखने वाले की आंखों में होती है। अ पिक्चर स्पीक्स अ थाउजेंड वर्ड्स, आप कितना भी डिस्क्रिप्शन दें, कितना भी वर्डिकली जो है वो समझा लें, लेकिन अगर आप एक पिक्चर दिखाते हैं तो देखने वाला जो है वो उसी वक्त चीज़ को समझ जाता है, उसी वक्त आपके सब्जेक्ट को समझ जाता है, आपको इतने सारे वर्ड्स बोलने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये कि एक पिक्चर जो है वो हज़ार वर्ड्स का काम करती है। हेल्थ इज़ वेल्थ, अब जाहिर सी बात है हेल्थ ही हमारे लिए वेल्थ है। अगर हेल्थ नहीं है तो दुनिया की कितनी भी दौलत हमारे पास में हो वो हमारे किसी काम की नहीं है। ओके, उसके बाद है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, वाकई में आपको ऑनेस्ट ही रहना है, हम सबको ऑनेस्ट ईमानदार रहना है, ये सबसे बेस्ट पॉलिसी है। नो पेन नो गेन, अगर आप कोई मेहनत नहीं करोगे तो किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर पाओगे। स्टूडेंट्स, इसके अलावा ये तकरीबन 10 कहावतें हमने यहाँ पर लिख दी हैं, इसके अलावा भी आपको 10 जो है वो प्रोवर्ब्स और फाइंड आउट करके लिखनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि यूज सम अदर सुटेबल वर्ड्स इन प्लेस ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स एट एवरी स्टेप्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ग्रीन में जो सेंटेंस लिखा है, इसमें जो है द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, इसको हाईलाइट किया हमने, ठीक है। सेंटेंस इस तरीके से है कि इफ यू लेट मी गो आई विल टेल यू द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। तो स्टेप बाय स्टेप जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको रिप्लेस करके हमें दूसरे वर्ड्स लिखने थे, ठीक है, और सेंटेंस को फिर से मीनिंगफुली कंप्लीट करना था। तो हमने यहाँ पर किया है
कि इफ यू लेट मी गो, अगर तुम मुझे जाने देते हो तो आई विल टेल यू द आंसर, मैं तुम्हें जवाब बताऊंगा. ओके, इफ यू लेट मी गो, अगर तुम मुझे जाने देते हो, आई विल शो यू अ मैजिक ट्रिक, मैं तुम्हें एक मैजिक ट्रिक दिखाऊंगा. If you let me speak, अगर तुम मुझे बोलने देते हो, I will explain you the solution, मैं तुम्हें solution explain कर दूंगा. उसके बाद इसी का second sentence है कि how stupid of me, आप देख सकते हैं कि stupid को यहाँ पर highlighted किया गया है. ठीक है, अब stupid की जगह पर हमें दूसरे words यहाँ पर डालने हैं और sentence को फिर से meaningfully complete करना है. तो how intelligent of me, कितना अकलमंद हूं मैं. हाउ क्लेवर ऑफ यू, कितने चालाक हैं आप. ठीक है, उसका थर्ड सेंटेंस है कि द नोबल मैन वॉच्ड एज द बर्ड फ्लू अवे. नोबल मैन देखता रहा या वो देखता गया कि परिंदा जो है वो उड़कर दूर चला गया. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लू को हाईलाइट किया गया है. तो अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हमें जो है वर्ड्स को चेंज करना है और फिर सेंटेंस कंप्लीट करने हैं. द नोबल मैन वॉच्ड एज द बर्ड वेंट अवे, परिंदा जो है वो चला गया. उसी तरह उसके बाद के सेंटेंसेस हैं, द पुलिसमैन वॉच्ड एज द रॉबर रैन अवे, पुलिसमैन ने देखा या वो देखता गया और चोर जो है वहां से भाग गया. The children watched as the train passed away. बच्चों ने देखा कि ट्रेन गुजर गई. The boys looked as the kite flew up. लड़कों ने देखा कि पतंग जो है वो ऊपर उड़ गई. क्वेश्चन नंबर 8 है कि what bits of advice do you often get from your family and friends? भाई आपके फैमिली और फ्रेंड्स में से भी तो लोग आपको एडवाइस देते होंगे कि भाई ये करो, ये मत करो, वो अच्छा है, वो बुरा है. ठीक है, write down three of the bits in your mother tongue. उनमें से कुछ या उनमें से तीन जो है वो आपको अपनी मदर टंग में लिखने हैं. एंड देन ट्रांसलेट देम इन इंग्लिश, फिर उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. ओके, जिसमें से पहला है कि बेकार में अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए. तो इसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया कि डोंट वेस्ट योर टाइम इन आइडल वर्क्स. ओके, बड़ों का अदब व एहतराम कीजिए. रेस्पेक्ट एल्डरली पर्संस, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, हेल्थ इज वेल्थ. ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आंसर वगैरह नहीं देने, बस हमें ऑब्जर्व करना है कि नोट द प्लूरल्स. अब यहाँ पर की बताया गया है कि प्लूरल्स कैसे फॉर्म हुए हैं. स्टूडेंट्स, सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, कौन कौन से रूल्स वहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं, इससे रिलेटेड हमने एक पूरा चैप्टर नाउन नंबर बनाया है, तो आपको वो ज़रूर देखना चाहिए. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि मैन और यहाँ पर जो है वो ए और ई का फ़र्क है. ये मैन जो है वो सिंगुलर है और एम ई एन मैन जो है वो प्लूरल है. आप देख सकते हैं कि इनसाइड वॉवल जो है वो चेंज किया गया है, ए को ई में कन्वर्ट कर दिया गया है. तो मैन सिंगुलर, मैन प्लूरल. उसी तरीके से वुमेन और वुमेन. ओके, नोबल मैन, नोबल मैन, चाइल्ड, चिल्ड्रन. तो यहाँ पर प्लूरल बनाने के लिए इनसाइड वॉवल को चेंज किया गया है. तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपने इस पॉइंटर्स के, यानी इस चैप्टर के पॉइंटर्स के तमाम क्वेश्चंस एंड आंसर्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है. तो स्टूडेंट्स, जल्दी मिलते हैं अगले लेसन के साथ.